फिर से फोक्स आप लोग का वेलकम है, ये है सिंह फ्रॉम क्यूबेक और आज मेरे साथ है मनमीत जो कि एआई के बारे में बताने वाले हैं। इंडिया में बहुत गर्मी होगी बट कनाडा में ठंड है अभी भी और मई चल रहा है। बेसिकली एआई एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है सीईआरबी की तरह, बट इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट है और इसमें क्या क्या और चीज़ें इंस्क्राइब्ड हैं वो हम आपको बताएंगे। मनमीत क्या बात है, भारी भारी वर्ड इंस्क्राइब्ड। एआई का मतलब है एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। तो एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस मतलब कि अगर आपको एम्प्लॉयर ने ड्यू टू COVID-19 ले ऑफ कर दिया है, ठीक है, तो उसका मतलब है कि आप एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस भी अप्लाई कर सकते हो या आप सब भी अप्लाई कर सकते हो। तो आपको कैसे पता चलेगा, आपको इधर यू शुड अप्लाई फॉर EI और यू शुड अप्लाई फॉर। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि कौन EI में अप्लाई करे और कौन सब में करे, सब CERB। तो देखो EI का मतलब बेसिकली होता है कि सपोज करो मैं इनके अंडर काम कर रहा हूँ, तो इन्होंने मुझे ड्यू टू COVID-19 उन्होंने मुझे ले ऑफ कर दिया। अब अगर मेरे $5,000 नहीं बन रहे हैं, ठीक है, तो मैं EI अप्लाई कर सकता हूँ। कंडीशन बीइंग ही शुड इशूड मी एन ROE स्टेइंग दैट ही इज बीइंग लेड ऑफ ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वर्क। ठीक है, अब ROE है क्या? ROE मतलब रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो आपका एम्प्लॉयर इशू करता है। देयर आर मेनी रीजंस लाइक वॉलंटरी क्विट, शॉर्टेज ऑफ वर्क और भी बहुत सारे, मुझे एब्सकॉन्डेड भी आपको किया जा सकता है, आइडिया नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर इन्होंने मुझे ROE इशू करा है, तो आप दो तरीके से EI कर सकते हो जो भी कनाडा गवर्नमेंट होती है। पहली होती है अगर आप 15 मार्च से पहले अपना एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस फाइल करते हो, तो दैट वुड बी काउंट एज अ रेगुलर बेनिफिट। आपको जितना मिलता था, जैसे आपको एक सैलरी का कितना परसेंट कटता मुझे आइडिया नहीं है, वो आप नीचे ये लिंक ऐड कर देंगे, सर्विस कनाडा का आप चेक कर सकते हैं। Exactly. और जो भी एप्लीकेशन 15 मार्च के बाद लगेंगी, इधर रेगुलर और सिकनेस, दैट विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू सर्व। ठीक है, तो कंफ्यूजन लोगों को ये है कि हमें कुछ प्रूफ देना है कि नहीं देना। देखो, अगर आप सिकनेस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको कनाडा गवर्नमेंट एज ऑफ नाउ कोई प्रूफ नहीं मांग रही, ठीक है। और दूसरा, अगर आप एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस रेगुलर बेनिफिट करते हो, तो पहले क्या होता था कि अगर आप 15 मार्च से पहले कर रहे हो, तो यू शुड बी हैविंग लाइक बिटवीन 400 to 700 इंश्योरेबल आवर्स, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ अभी वो वाली कंडीशन वैलिड नहीं है। मैंने और मेरे एक फ्रेंड ने जिसका नाम बिंटू है, उसने सर्विस कनाडा के एजेंट से बात करी थी, तो उन्होंने बोला है कि अभी कनाडा गवर्नमेंट चेक नहीं कर रही कि आपने कितने आवर्स काम करा है कि नहीं करा, दे आर जस्ट हेल्पिंग आउट, ठीक है। तो आपको सिर्फ ROE चाहिए, आपको सिर्फ उसके बाद ऑनलाइन जाना है नेक्स्ट, मतलब इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। तो आप उसके बाद अपना एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस अप्लाई कर दोगे। अच्छा, ऑनलाइन जाना है, ऑनलाइन कहाँ जाना है, कौन सी? आपको सर्विस कनाडा के पोर्टल का लॉगिन करना है, उसको MSCA ऐसे कुछ करके बोलते हैं, सर्विस कनाडा का पोर्टल है। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं वो भी आपको, अरे नहीं, यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज पड़ी है, हम इसमें डालेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज है, उसमें से चेक कर लेना। एग्जैक्टली, तो आप अपने स्कोशिया बैंक या कोई भी बैंक है उससे लॉगिन कर सकते हो, फिर आपको एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस भरना है। सिंपल स्टेप्स है, कुछ ज़्यादा नहीं करना। जब आप एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस भर लोगे, विद इन 7 to 10 बिजनेस डेट यू विल गेट योर एक्सेस कोड। तो आपको फिर एक्सेस कोड मिलेगा, घर पे आएगा, तो उस एक्सेस कोड से आपको अपनी वीकली रिपोर्ट्स फिल करनी है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कितना वीक तक आपको वीकली रिपोर्ट फिल करनी है, तो आपको आपका एम्प्लॉयर बताएगा कि आपको क्या बोलते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट आपके एम्प्लॉयर के साथ कितने टाइम के लिए था। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव योर कॉन्ट्रैक्ट फॉर 4 weeks और 6 weeks, तो तभी तक आप EI अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद EI वैलिड नहीं है। अच्छा, मतलब मान लो मेरा कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का, तो मैं 6 महीने नहीं, उतना नहीं हो सकता। ओके, राइट, क्योंकि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो मोस्टली, अभी अगर आपको इशू करेगा, तो जैसे मेरे दोस्त का कॉन्ट्रैक्ट था 30th अप्रैल तक, तो उसके सिर्फ 4 हफ्ते बचे थे, तो ही विल गेट लाइक $500 पर वीक, एंड लाइक 4 weeks का हो गया $2,000। सो पहले आप अप्लाई करोगे तो फॉर द इनिशियल पेमेंट यू गेट $2,000 इरिस्पेक्टिव कि आपके कितने आवर्स हैं, देन फिर आपके रिपोर्ट्स के ऊपर आपको $500 पर वीक। अब मनी, तूने ये बता दिया कि AI में कैसे अप्लाई करो और उसमें रिपोर्ट्स भरनी है, आपको सर्विस कनाडा में जाके रिपोर्ट्स फिल करनी है, आई थिंक तूने बताया। तो AI रिपोर्ट्स है क्या, भरनी कैसे है, उसमें क्या भरा जाता है, थोड़ा सा ये बता दे सर। देखो, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बाईवीकली रिपोर्ट भरती है, जैसे कि आपको सिर्फ गूगल पे जाके लिखना है इंटरनेट रिपोर्टिंग सर्विस कनाडा, तो जो पहला लिंक होगा वही ये आपको अपनी रिपोर्ट्स को फिल करना है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, आप उस लिंक को क्लिक करोगे तो यू विल गेट 3 options। पहला में आपको डालना है आपका फिन नंबर, उसके बाद आपको डालना है अपना एक्सेस कोड,
उसके बाद शायद लॉग इन कर जाओगे आप, फिर आपको बस वो सिंपल प्रोसेस है, पूछते हैं कि आपने कितने कमाए हैं, आपका ले ऑफ हुआ, आपका लास्ट वर्किंग डे कब था, आपने इस आर्स इस वीक में अपना आर्स कितने काम करे थे, अगर करे थे तो पेमेंट रिसीव हुई नहीं हुई, पूरे मतलब काफी सारे क्राइटेरियाज हैं बेसिकली उसमें, ऐसी इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है जो आपको ऑलरेडी पता है, इट्स नॉट दैट मच टफ, क्योंकि आपने जहाँ काम किया आपको पेस्लिप मिलती है, उस पर सब लिखा होता है कितने घंटे काम किया, प्लस हर अच्छी कंपनी का एक ऑनलाइन पोर्टल होता है जहाँ पे आप देख सकते हो आर्स, आपको कितना पेमेंट हुआ, तो आपको वही सब वहाँ फिल करना है, राइट राइट। अब बात आती है कि ये सब कुछ हो गया, अब बात आती है कि लोगों को समझ नहीं आता है कि जो हमने ए आई करा है, मैं सब की बात नहीं करूँगा, सब हो चुके हैं, अगर आपने ए आई करा है कोई भी बेनिफिट आपने गवर्नमेंट से लिए तो आर यू एलिजिबल फॉर दैट, तो उसके लिए क्या वो अभी क्या है कि सर्विस कैनेडा जो ए आई है वो सर्विस कैनेडा के थ्रू रन होता है, ठीक है, तो एज ऑफ नाउ बहुत ज़्यादा रश है, तो कभी भी आप कॉल करोगे, मेरे दोस्त को कॉल आज तक नहीं लगा, ठीक है, तो बट किसी भी मिनटों का कॉल नहीं लगा आज तक, बट ये है कि एक वेब फॉर्म का लिंक है, ये भी हमारे भाई डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, उस पर अपनी क्वेरी लिख दो, तो आपको एक या दो बिजनेस डेज में डेफिनेटली वो कॉल करेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि गलती से आपको आ गया या आप एलिजिबल नहीं थे, आपने मजे मजे में कर दिया, तो अभी तक इसका कोई नहीं है कि आप पैसे कैसे वापस करोगे, क्योंकि बात ही नहीं हो पा रही एजेंट से जो हम आपको बता पाएंगे कि कैसे वापस करना है, और दूसरा जो सर्विस कनाडा के आउटलेट्स हैं या जो भी ऑफिसेज हैं सब बंद हैं, तो हमारा सजेशन ये है कि अगर आपने जल्दबाजी में अप्लाई कर दिए तो आप जस्ट उस $2,000 को अपने सेविंग्स में रख लो, और जब भी ऑफिस खुलेंगे यू कैन टच बेस द सर्विस कनाडा पीपल। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि जिनको ये नहीं पता है कि उन्होंने पैसे ले लिए हैं $2,000 कैनेडियन और अब वो एलिजिबल है या नहीं है, और अभी उनकी बात नहीं हो पा रही जो भी उनके कॉल सेंटर के नंबर्स हैं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आप सेविंग में रखो उसको, पैसे खर्च मत करो, अगर ज़रूरत है बहुत ज़्यादा तो ही उन पैसों को निकालो, ताकि इन केस अगर आपने गलती से अप्लाई किया था और आपसे अगर वो पैसे मांगते हैं, इन केस आई डोंट नो एग्जैक्टली वो प्रोसेस क्या होगा, तो आपके पास उतना आपके पास अमाउंट है जो आप उसको वापस कर सकते हो। थैंक्स फ्रेंड, आपने ए आई का वीडियो देख लिया, सी आर बी का वीडियो देख लिया, फिर से एक बार रिक्वेस्ट है अप्लाई मत करो अगर एलिजिबल नहीं हो, और एलिजिबल हो तो ज़रूर अप्लाई करो। थैंक यू, शेयर एंड लाइक करना मत भूलना।